साइकिल की भी कंडीशन देख सकते हो, पूरी मतलब मिट्टी हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 5:30 और इतनी ठंड में हम निकले हैं साइकिल से ऑफ रोडिंग के लिए। जब मैंने मेरी वॉल्टेक्स ड्यून 1 फैड बाइक ली थी, तब से ही मैं सोच रहा था कि यार आपके लिए ऑफ रोडिंग का व्लॉग लेकर आऊं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो आज संडे मॉर्निंग है और हम निकले हैं, तो यहाँ से जाएंगे शंकरगढ़। एंड अभी आप देख सकते हो पूरी रात ही हो रही है, मतलब थोड़ी देर में उजाला भी हो जाएगा, तो सुबह के व्यू में आपको देखने में भी मजा आने वाला है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, अराउंड 20 मिनट हो गए हम 6 लेन हाईवे पे, ना साइकिल में लाइट है, कुछ दिख भी नहीं रहा। दोस्तों सोच के तो आए थे कि सुबह सुबह जल्दी से ऊपर टॉप पे चढ़ जाएंगे, देन नीचे ही आना रहेगा, बट आकर हम यहाँ रुक गए हैं ना। आप देख सकते हो कुछ भी दिख नहीं रहा, ना साइकिल में लाइट है, एंड ये एरिया भी पूरा सुनसान है। तो हम अब 10 से 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा कि जल्दी से सनराइज हो और हम फिर ऊपर के लिए निकलें। अभी तो फिर भी उजाला हो गया। मेरे साथ श्रेयस आया, इसकी ऐसी वाट लग रही थी जाते टाइम। अब उजाला हो गया, अब तो डर नहीं लग रहा ना। ऑलमोस्ट 80% ऊपर आ गए, और गाइस सिर्फ आपके लिए हम 5:30 बजे सुबह इतनी ठंड में ब्लॉग शूट करने आए। तो मोटिव यही है वीडियो का कि यार जो भी कोई बोलते हैं कि फैट बाइक को चलाना बहुत मतलब ईजी नहीं रहता, ज़्यादा ताकत लगती है फैट बाइक चलाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फैट बाइक मेनली बनी है ऑफ रोडिंग के लिए। तो आप देख सकते हो हम आए इतनी दूर से, एंड वीडियो में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, आपके लिए स्पेशली बनाई है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, चेस्ट माउंट भी लगा लिया है मैंने, है ना। आप देख सकते हो फ्रंट एज वेल एज रियर दोनों गियर मेरे 1:1 पे है, तो इजीली मैं कम्यूट कर पा रहा हूँ ऑफ रोडिंग में। एंड जितने भी इंक्लाइन पैच थे हमने इजीली चढ़ा लिए, जहाँ पर थक गए थे वहाँ हालांकि हम उतर के चढ़े। इतनी मुश्किल से ऊपर आए, अब चल रहे नीचे। सो गाइस, वीडियो को एंजॉय करना, लेट्स गो। भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस चलाने में, चेन की वाट ना लगे हो। व्यू देख सकते हो, जितना आप देख रहे हैं हम जितना इजीली नीचे जा रहे हैं उसकी 10 गुना मेहनत करके हम ऊपर आए हैं, तो वीडियो पर 1 लाइक बनता है। सो अभी हम थोड़ा सा रुक गए थे, बिकॉज मुझे यहाँ तक लग रहा है एंगल थोड़ा पैरों को दिखा रहा था ज़्यादा, बट हुआ ऐसा कि यार मैं खड़े रह के चला रहा था जिससे बैलेंस थोड़ा अच्छा बने।
नीचे लाने में तो बहुत मज़ा आया, बट इसमें सस्पेंशन नहीं है, वो फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मुझे। हैंडल बार पे जर्क्स बहुत फील हुए, देखो हुए स्ट्रेस फील, इसको भी हुए। इसकी साइकिल में फ्रंट सस्पेंशन है फिर भी। आने में हमें अराउंड 3.5 मिनट लगा नीचे आने में, बट वही ऊपर जाने में 35 से 40 मिनट्स लग गए थे, बिकॉज सुबह अंधेरा भी इतना था। और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी हमारा फर्स्ट ट्राई है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ है, आप देख सकते हो पूरा व्यू। तो आपको कंटेंट चाहिए इस टाइप के तो मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपने एंजॉय करेगी नहीं वो भी मुझे कॉमेंट में बताना। किसी की भी नई साइकिल हो ना तो ऑफ रोडिंग पर मत जाना, बिकॉज जो बचती है ना पत्थरों पे बहुत बुरा लगता है। हालांकि मेरी साइकिल को अराउंड 1 महीना तो हो गया है। जितने रोड पे दचके बचाता था आज सारे कुदा दी हैं यहाँ पर। बट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा अगर फैट बाइक से एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इसके जो ब्रॉड टायर्स हैं ना वो वाकई में आपको कॉन्फिडेंस बहुत फील कराते हैं, फ्रंट एज वेल एज रियर टायर। वहाँ से हमने स्टार्ट करा था, अभी आपने मॉर्निंग वाली क्लिप देखी होगी जो स्ट्रीट लाइट के नीचे ली थी, तो वहाँ की स्ट्रीट लाइट थी। जो आपको थोड़ी साइकिल में आवाज़ आ रही है वो सीट की आ रही है, सीट की स्प्रिंग नॉइस कर रही है, नहीं तो कोई और सोचेगा कहीं और से आवाज़ आ रही है साइकिल के फ्रेम वगैरह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस फाइनली नीचे आ गए, अराउंड 5:30 बजे हम निकले थे, और अभी क्या टाइम हो रहा है श्रेयस? 7:20 हो गई, बट पहला एक्सपीरियंस था ऑफ रोडिंग का एंड बहुत मज़ा आया। वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि ड्यून 1 से मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले तो वाइब्रेशंस मुझे हैंडल बार पे बहुत आ रहे थे, बिकॉज 40+ स्पीड थी हमारी। पूरा रूट आप देख सकते हो हम टॉप तक गए थे, एंड अभी आप साइकिल की भी कंडीशन देख सकते हो, पूरी मतलब मिट्टी हो रही है, मतलब मुझे घर जाके साइकिल को पूरा वॉश करना पड़ेगा, देन इसकी ऑयलिंग भी करना पड़ेगी, बिकॉज आप चेन पे देख सकते हो चेन ऐसी दिख रही है जैसे रस्ट खा गई हो। बट यार ओवरऑल बहुत मज़ा आया चलाने में। एंगल मैंने परफेक्ट ही रखा था चेस्ट माउंट पर, बट दिक्कत ये हो गई थी कि ज़्यादा स्पीड थी तो मैं खड़े होकर चला रहा था जिससे मेरी कंट्रोलिंग अच्छी रहे, बट ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।